वेलकम टू SS डिफेंस अकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2020 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। यह एग्ज़ाम 15 मार्च से 16 मार्च 2020 के बीच कंडक्ट किया गया था। इसमें अलग अलग पोस्ट थी, जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर। वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था और फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। इन तीनों शिफ्टों का ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर मुझे मिल चुका है। आज मैं इसका PDF भी दूंगा और साथ में इसका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा किस लेवल का क्वेश्चंस आया था। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ गार्ड है इसमें 40 नंबर का आपको GK का क्वेश्चन पूछा गया था और रीजनिंग का 40 और मैथ का 40, इंग्लिश का 40 और हिंदी का 40। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें मैं आपको ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल SS डिफेंस अकेडमी पर भी ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा दिल्ली पुलिस का, उसमें ये इम्पोर्टेंट होगा। उसके साथ ही अदर स्टेट जैसे बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, जो भी उसमें फॉरेस्ट रेंजर से संबंधित एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि यह 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, यहाँ जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अच्छा था, एक एग्ज़ाम एनालिसिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज के इस वीडियो में GK के क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आया था। आप देख सकते हैं, शुरू में 40 रीजनिंग का क्वेश्चंस पूछा गया था, उसके बाद GK का क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए मैं आपको GK के क्वेश्चंस को रीड करके बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व अजून दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता कौन था? तो ये था बांग्लादेश। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्साह के साथ बुलबुल की लड़ाई परंपरागत रूप से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भोगाली बिहू। फाइव क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुदाय जो मल लोक नामक लोक नृत्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लेपचा। यहाँ सिक्स क्वेश्चन देखिए, अमेजोन ने किस भारतीय राज्य में अपना विश्व का सबसे बड़ा परिसर भवन बनाया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, विश्व के भावी संविधान पर चर्चा के लिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से कौन शहर में हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। एट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र परीक्षण मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति। नाइन क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2019 के नोएडा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में मरुस्थलीकरण से लड़ाई लड़ने के लिए अभिसमय समय की बैठक में भूमि अवक्रमण तटस्थता को कब तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030। टेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने धम्म के अपने दर्शन प्रसार के लिए धम्म महामता नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महावीर स्वामी का अंतिम सांस लिए थे? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, पावापुरी। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग नवाचार सूचकांक 2019 में महाराष्ट्र को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा तीसरा। थर्टीन क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ धूमिल तेंदुए का आवास ताले वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। 14 क्वेश्चन देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 30 वर्ष। 15 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित पंचायतों की सत्ता प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 11वीं। 16 क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर ने एक निजी फॉर्म के साथ संयुक्त रूप से तोप की मार का पता लगाने वाला यंत्र विकसित किया है, इस यंत्र का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, पार्थ। 17 क्वेश्चन पूछा गया था, नोवाक जोकोविच ने
पुरुषों का ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2020 जीतकर यह खिताब 10 बार जीता है, तो ये 8वीं बार जीते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपनिवेश काल में संरचना का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम ने क्वीन मैरी के भारत यात्रा की स्मृति में हुआ था, तो ये हुआ था 4th गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। 19 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शहर विमानपत्तन राजीव गांधी के नाम पर है, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 20 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बैक्ट्रियन ऊंट पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन 4। 21 क्वेश्चन पूछा गया था, नंदूर माधमेश्वर नामक तरभूमि कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। 22 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राजवंश की राजधानी एहलोल में थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्य। 23 क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन से फैले कोरोना वायरस रोग निम्नलिखित में से कौन से नाम दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा COVID-19। लेटेस्ट ये करेंट अफेयर्स भी पूछा गया था। 24 क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 किस वर्ष तक 1,00,000 करोड़ तक मत्स्य निर्यात में लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2024-25। 25 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सरकारी कर्मचारियों के भांति निजी शिक्षा क्षेत्र में प्रसूति हित लाभ लागू करने वाला भारतीय राज्य बना है, तो केरल हो जाएगा ऑप्शन। 26 क्वेश्चन पूछा गया था, एक राष्ट्रीय स्तर से स्वास्थ्य संबंधित मिशन के अंतर्गत अल्बेंडाजोल नामक दवा बच्चों को समय समय पर दी गई है, इस दवा का मुख्य रूप से प्रयोग किस लिए किया होता है, तो ये आंसर हो जाएगा कृमि को निकालने के लिए, ऑप्शन ये सही था। 27 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा भारत के गृह मंत्री, 4th ऑप्शन सही है। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य का राज्य पशु रेड पांडा है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। 29 क्वेश्चन देखिए, भारत में हाल ही में अनम्य पोलियोरिथन पीयू होम ग्लोबिंग पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा HFCFC 141B, ऑप्शन 3 सही है। 30 क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच में सबसे तेज 7,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। 31 देखिए, स्वच्छ भारत 2019 सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शहर रेलवे स्टेशन को गैर उपनगरीय समूह यानी NSG में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता प्राप्त की है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन 2। 32 क्वेश्चन देखिए, दक्षिण कन्नड़ और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले कम्बाला उत्सव कौन सी रेस होती है, तो ये भैंस का रेस होता है, ऑप्शन 4 सही है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 34 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से शहर में श्री गुरु नानक देव जी का ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी, तो आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर लोधी। 35 क्वेश्चन पूछा गया था, ई कॉमर्स की विशाल कंपनी अमेजन ने किस भारतीय शहर के समीप अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के लिए 2 डेटा सेंटर खोलने का विचार कर रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हैदराबाद। 36 क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को लगभग $1.67 बिलियन की लागत में उसकी एकीकृत वायु सुरक्षा हथियार प्रणाली बेचने की सहमति दी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। 37 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में ऑटोमोबाइल के संदर्भ में M15 का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा पेट्रोल का मिश्रित किस्म। 38 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर कौन खेल से देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आंसर हो जाएगा ये शूटिंग, ऑप्शन 2 सही है। 39 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थाई सभापति था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सच्चिदानंद सिन्हा। और लास्ट ये 40 क्वेश्चन था, भारत में कौन से वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये हुआ था 1969। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अर्थमेटिक्स का क्वेश्चंस पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आप सभी को आने वाले सभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा गया था 40, जो और इम्पोर्टेंस होगा एनालिसिस करने के लिए, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पर 40 इंग्लिश का पूछा गया था,
और 40 हिंदी का। आप सभी देख सकते हैं यहाँ से हिंदी स्टार्ट है। पर्यायवाची पूछा गया, पुल्लिंग, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया है फ्रेंड्स। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस होगा ये। तो फ्रेंड्स, आप सभी वाइल्ड लाइफ गार्ड और रेंजर के लिए जो सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका आप खुद से एनालिसिस करें इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। तो आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस पीडीएफ को ज़रूर अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आप सभी के लिए यहाँ पर रीजनिंग के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप। फॉरेस्ट रेंजर में आपको 25 नंबर का जीके क्वेश्चन मिलेगा, सब 25-25 का था। और जो फॉरेस्ट विल्ड लाइफ गार्ड था उसमें 40-40 था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को ज़रूर आप डाउनलोड कीजिएगा। मैं डायरेक्ट भी लिंक दूंगा और टेलीग्राम का भी लिंक दूंगा, तो जहां मन आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 180 पेज का पीडीएफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।